दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए BA LLB थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर 2021-22 के क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं। सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र। एग्जाम में दोस्तों 60 नंबर का पेपर पूछा जाता है, जिसमें आपको समय दिया जाता है 3 घंटे का। एग्जाम में 5 ऑब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं, 2-2 नंबर के। और दोस्तों आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4-4 नंबर के, तो 20 नंबर यहाँ हो गए। और फिर इसके बाद आपसे दोस्तों 5 क्वेश्चन 6-6 नंबर के पूछे जाते हैं, 30 नंबर यहाँ होगा। टोटल आपके 60 नंबर हो गए। 60 नंबर का पेपर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था। पहला पूछा गया था, सही उत्तर का चयन कीजिए। निम्न में से कौन समाजशास्त्र का पिता माना जाता है, यानी कि समाजशास्त्र का पिता किसे माना जाता है। इसका ई ऑप्शन था जो बिल्कुल सही था, कामटे। इसके बाद दूसरा पूछा गया था, शब्द समाजशास्त्र को 2 शब्दों सोशियंस लॉन्ग्स से मिलकर बना माना जाता है, ये शब्द है। दोस्तों इसका ये ऑप्शन है बिल्कुल सही था, लैटिन और ग्रीक भाषा के शब्द है। इसके बाद तीसरा पूछा गया था, सामाजिक संवाद के लिए संवाद और संचार 2 आवश्यक शर्त है, यह किसने कहा है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मैकाइवर एवं पेज ने। इसके बाद अगला पूछा गया था, चौथा, एक असंगठित समूह का उदाहरण है। इसका ई ऑप्शन है बिल्कुल सही है, भीड़। इसके बाद पांचवा पूछा गया था, कार्य करने का वह तरीका जो समाज के नियमों के तहत नहीं माना जाता, यानी कि आप किसी कार्य को कर रहे हैं वह समाज के विरुद्ध है, तो वह एक अपराध है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद दोस्तों 5 क्वेश्चन पूछे गए थे 4-4 नंबर के। इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, सामाजिक परिवर्तन के भौगोलिक व सांस्कृतिक कारकों को समझाइए। इसके अथवा में पूछा गया था, भीड़ व्यवहार व सामाजिक आंदोलन को समझाइए। इसके बाद तीसरा पूछा गया था, भीड़ व्यवहार के अंतर्गत झुंड या भीड़ व दंगाइयों को समझाइए। इसके अथवा में पूछा गया था, निम्नलिखित पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। पहला अफवाह, दूसरा फैशन व तथ्य। इसके बाद चौथा पूछा गया था, लोकमत पर टिप्पणी लिखी, यानी कि चौथा कहता है लोकमत पर टिप्पणी लिखी। इसके अथवा में पूछा गया था, सामाजिक आंदोलन की सफलता के लिए आवश्यक शर्त कौन कौन सी हैं। इसके बाद पांचवा पूछा गया था, समाज की एकता समाज के विकास के लिए एक अनिवार्य शर्त है, स्पष्ट कीजिए। इसके अथवा में पूछा गया था, सामाजिक उद्भव एवं विकास हेतु विज्ञान एक तकनीक है, टिप्पणी कीजिए। इसके बाद छठवां पूछा गया था, प्रजाति बाद जैव की संकल्पना है अथवा नहीं, उपरोक्त कथन का विश्लेषण कीजिए। इसके अथवा में पूछा गया था, प्रजातिवाद एवं परंपरावादी में अंतर कीजिए। इसके बाद दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे 5, 6-6 नंबर के। इसमें 7वां क्वेश्चन पूछा गया था दीर्घ उत्तरीय, सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं।
सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा, प्रकृति एवं विशेषताएं समझाइए। इसके अथवा में पूछा गया था, सामाजिक परिवर्तन में सामाजिक मूल्यों की क्या भूमिका है? सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों पर सामाजिक मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रकाश डालिए। दोस्तों, इसके बाद अगला पूछा गया था आठवां, भीड़ व्यवहार की विस्तृत विवेचना कीजिए। भीड़ व्यवहार के अध्ययन में आने वाले परेशानियों को समझाइए। इसके अथवा में पूछा गया था, भीड़ व्यवहार के प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना कीजिए, विस्तृत विवेचना कीजिए। भीड़ व्यवहार के प्रमुख सिद्धांतों की विस्तृत विवेचना कीजिए। इसके बाद दोस्तों नौवां पूछा गया था, निम्न पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए, यानी कि आपको नौवीं में टिप्पणी लिखनी थी। पहला, भीड़ के प्रकार। दूसरा, आकस्मिक मानदंडों का सिद्धांत। इसके बाद इसके अथवा में पूछा गया था, सामाजिक व्यवस्था की संकल्पना क्या है? सामाजिक व्यवस्था की संकल्पना के परिप्रेक्ष्य में मानव व्यवहार को समझाइए। इसके बाद दसवां पूछा गया था, भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों की समस्याओं की विस्तृत विवेचना करते हुए उनके कल्याण हेतु किए गए प्रयासों को समझाइए। दसवें के अथवा में पूछा गया था, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के संगठन और कार्यों की समीक्षा कीजिए। दोस्तों, इसके बाद ग्यारहवां क्वेश्चन पूछा गया था, विज्ञान एवं तकनीक समाज के सेवक के रूप में होना चाहिए, समझाइए। इसके अथवा में पूछा गया था, विज्ञान एवं तकनीक को परिभाषित करते हुए उसकी प्रकृति एवं विशेषताएं बताइए। विज्ञान एवं तकनीक में क्या अंतर है? दोस्तों, यह 11 क्वेश्चन आपके BLLB थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम में पूछे गए थे। आने वाले समय में BLLB थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम होगा, तो इन्हीं क्वेश्चन पेपर से 6 या 7 क्वेश्चन कम से कम रिपीट किए जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर उन्हीं क्वेश्चन को पूछता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को प्रत्येक स्टूडेंट तक शेयर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिए। दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।